तैयार करेंगे। शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार से आर्थिक मदद की जाती है। बता दें कि दैवीय आपदा में पक्के मकान का संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर शासन द्वारा पीड़ित परिवार को 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों पर भी शासन द्वारा उचित मुआवजा दिया जाता है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, यदि किसी का कोई पक्का मकान है और वो किसी दैवीय आपदा में या बारिश के समय गिर जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो उसमें 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता मकान बनाने हेतु दी जाती है। और यदि उनका मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होता है तो उसके लिए भी राज्य की तरफ से कुछ शासन से सहायता निर्धारित है जो कि दी जाती है। सर, क्या वापसी होता है कि जो सहायता दी जाती है सर इसको? नहीं नहीं, ये आर्थिक सहायता है, इसमें कोई वापसी का प्रोविजन नहीं है। ये उनको इसी उद्देश्य से दिया जाता है कि वो अपने मकान अगर आंशिक क्षतिग्रस्त है तो उसकी मरम्मत करा लें, और यदि पूर्णतः क्षतिग्रस्त है तो अपना फिर से मकान बना के रहने योग्य बना सकें। सामानों का भी सर कुछ मिलता है जो सामान? हाँ, यदि किसी बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में उनके घरेलू सामान, कपड़े इत्यादि नष्ट होते हैं तो उसके लिए भी शासन द्वारा निर्धारित है 2,500 रुपये उनके कपड़े वगैरह के लिए, और 2,500 रुपये घरेलू सामान बर्तन के लिए निर्धारित है, जो कि यदि कोई इस तरह से नष्ट होता है तो उनको तत्काल उपलब्ध।